मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ, तो कोरोना की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इम्पैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? उत्पादन में जो GST आपको पढ़ के बताया, आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़, वो अभी बढ़ गए। प्लीज, आपस सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? क्या कहेंगे? वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपके जरिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि जो रिटर्न आंसर दिया है उसमें कहा है कि MSME ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA इन ऑल इंडिया GDP, वो जो आंकड़े दिए हैं 2019-20 में 30.5% था, 20-21 में 27.3% था, 21-22 में 29.1। इट मींस अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हुआ, तो कोरोना की सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 19-20 में होनी चाहिए, तब तो 30.5% था। कोरोना की इम्पैक्ट उसके बाद नहीं हो सकती है 21 में 22 में, तो वो कम क्यों हुआ? और आप सिर्फ बड़े उद्योग की चिंता करेंगे तो लघु उद्योग का क्या होगा? धन्यवाद। प्लीज प्लीज भाई साहब, लघु उद्योग की संख्या जो बंद हुई वो फिर सभी चालू हो गए, चिंता की बात नहीं, फिर सभी चाहिए। इसलिए उत्पादन में जो GST आपको पढ़ के बताया, आज भी 5.3 लाख करोड़ है, कम नहीं हुआ है। जो पहले 19-20 में था 5 लाख करोड़, वो अभी बढ़ गए है। और इसमें मैं कहता हूँ 20-21 में 27.2, वो कोरोना का कार्यकाल है, कोरोना का कार्यकाल। और जब भी कामगार फैक्ट्री छोड़ के भागे थे, छोड़ के गए थे, तो अभी फैक्ट्रियां चालू होने के बाद अभी 21-22 में वो प्रमाण GDP का बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ने के कारण अभी पूर्ववत परिस्थिति निर्माण देश में हुई है MSME के बारे में। प्लीज प्लीज माननीय मंत्री जी, आप जो सवाल है कि प्लीज आप सवाल ये है कि वर्कर्स के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? क्या कहेंगे? वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? माननीय सदस्यगण प्लीज। नहीं, आप सुनिए प्लीज सर। सर प्लीज ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो उद्यमी चालू होने से वर्कर का प्रॉब्लम हल होगा, ऐसा नहीं विदाउट फैक्ट्री बंद रहेगी तो हल होगा ये प्रॉब्लम। वर्कर्स के वेलनेस वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता देंगे? प्लीज ठीक, प्लीज बैठ जाए आप। क्वेश्चन